नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैसे न चुकाने पर टाटा मुख अस्पताल में दो शवों को रोकने पर मचा बवाल, झामुमो के चार विधायकों ने छुड़ाए शव। डीआईजी राजीव रंजन शहर में कहा, बेहतर पुलिसिंग के लिए घर घर होगा सर्वे। मानगो में बच्ची से पर्स छीनकर भाग रहे उच्चके को राहगीरों ने घेर कर दबोचा। मानगो चौक पर कोरोना जांच को पहुंची टीम पर भड़के मजदूर, मुख्य सड़क को किया अवरुद्ध। हाथरस बलात्कार कांड की आंच शहर पहुंची, लोग उतरे सड़कों पर, दरिद्रों को फांसी की मांग। और रैन बसेरा में लटक रहे ताले, गरीब खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन द्वारा दो महिलाओं के शव को पैसे नहीं जमा करने के कारण रिलीज नहीं किया जा रहा था। ऐसे में ग्रामीणों के साथ वहां झामुमो के चार विधायक पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया। आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर टाटा मुख्य अस्पताल में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे वो खबरों की सुर्खियों में बन जाती है। ऐसा ही वाकया गुरुवार को हुआ। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की एक महिला जानकी मुर्मू और पोटका विधानसभा क्षेत्र की एक महिला की मौत हो गई। वे लोग किसी बीमारी की चपेट में थी जिसकी इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में उनकी मौत हुई। इस मौत के बाद झामुमो के विधायकों से स्थानीय लोगों ने संपर्क किया और कहा कि वे लोग इलाज के लिए बकाया पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण टीएमएच लाश नहीं दे रही है। इसके बाद पोटका के विधायक संजीव सरदार और जुगसलाई के विधायक मंगल कालिनी ने टाटा स्टील के अधिकारियों से बातचीत की थी और लाश को छोड़ने की मांग की थी, लेकिन इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। जिसके बाद गुरुवार को खुद विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी, भारागोड़ के विधायक समीर मोहंती, घाटिया के विधायक झामू के जमशेदपुर जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन और पूर्व सांसद सुमन महतो पहुंचे। इन लोगों ने वहां लाश नहीं देने पर अधिकारियों की क्लास लगाई, जिसके बाद काफ़ी हंगामा के बाद लाश को रिलीज कर दिया गया। इसके बाद सारे लोग बाहर निकल गए। शव को रिलीज कराने के लिए इन लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को मानवता के जरिए काम करने की गुजारिश की। से लोटिका महतो और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से बोराम क्षेत्र का जानकी मुर्मू, इन लोगों का इलाज रत के दौरान इन लोगों का मृत्यु हो गया और जिसका बिल करीब 2.5 से 3 लाख करके बना था। आज 3 दिन पहले एक लोटिका महतो का मौत हो गया था और आज जो है सुबह जानकी मुर्मू का मौत हो गया। अब और जिसके उसको रिलीज करने के लिए हमारे पोटका के विधायक ने टाटा के वाइस प्रेसिडेंट से अनुरोध भी किया था कि ये गरीब है, इनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन 3 दिन तक हमारा विधायक जी संजीव सरदार का चिट्ठी पर किसी तरह कार्रवाई नहीं हुआ, जिस कारण आज हम लोग को यहाँ चारों विधायक का नाम। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली और लोगों से व्यवहार पर एक सर्वे किया जाएगा जिससे बेहतर पुलिसिंग हो सके और हमें अपने अंदर की खामियों को दूर करने का मौका मिले। शहर की NSIBM और अर्का जैन विश्वविद्यालय की पहल पर XLRI प्रेक्षा गृह में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इन दोनों विश्वविद्यालयों के चयनित छात्र घर घर जाकर सर्वे करेंगे और लोगों से ये पता लगाएंगे कि वे पुलिसिंग से खुश हैं या नहीं और आम जनता से पुलिस वालों का व्यवहार कैसा है। इस मौके पर DIG राजीव रंजन सिंह ने उपस्थित होकर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से पुलिस को अपनी छवि बदलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुल 75 चयनित छात्रों द्वारा ये सर्वे किया जाएगा। यदि पुलिस खुद ही सर्वे करती तो सही परिणाम सामने नहीं आते, इसलिए छात्रों का सहयोग लिया जा रहा है। बिफोर गोइंग टू पुलिस स्टेशन, so it is very important for police personnel to change his behavior. इसीलिए इस पे सभी यंग कैडेट्स को पढ़ाई दी जा रही है कि what behavior you should give. मतलब there should be a clear cut demarcation between dealing with a criminal and because वो सुबह से शाम तक वही डीलिंग करते हैं, इसलिए इसको बुरा भी नहीं मानना है, ये भी नहीं सोचना है कि पुलिस 100% गलत ही। मानगो गांधी मैदान में बच्ची से पर्स छीनकर भाग रहे उचक्के को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने खुद को 2 दिन से भूखा बताया।
मानगो स्थित गांधी मैदान में गुरुवार दोपहर सब्जी खरीदने आई एक 12-13 साल की बच्ची का पर्स छीनकर भाग रहे उचक्के को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया, फिर उसकी धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। युवक अपना नाम बार बार बदल बदल कर बता रहा था। उसने पूछताछ में बताया कि वो 2 दिनों से भूखा है, इसलिए उसे ये गलती हो गई। बाद में पुलिस इसे पकड़ कर थाना ले गई। हमको भूख लग रहा था, तो बच्चे का बैग लेके भाग रहे थे। भूख लग रहा था, पैसा हमसे मांगता था। इसका पहले भी छिनते किया है? जेल गया पहले कभी? एक बार भी नहीं किया है। नट अंकल पैसा चोरी नहीं कर रहे थे, नट निकाल रहे थे, पैसा नहीं निकाल रहे। मानगो चौक में कोरोना जांच आरंभ करने से मजदूर काफी भड़क गए। वे अपनी जांच नहीं कराना चाहते थे। इस दौरान काफी हंगामा हुआ और कुछ देर के लिए सड़क जाम भी हो गई। मानगो चौक पर गुरुवार को कोरोना जांच के लिए आई मेडिकल टीम का मजदूरों ने विरोध आरंभ कर दिया। वहां रोजी के लिए प्रतिदिन मजदूरों का जुटान होता है। गुरुवार को डॉक्टर के साथ मेडिकल की टीम वहां पहुंची और कथित तौर पर 4 लोगों से सैंपल भी लिए गए। ये देख सभी मजदूर अचानक भड़क गए। उन्होंने मेडिकल टीम और उनके साथ आए होमगार्ड के जवान पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। हंगामा इतना बढ़ा कि कुछ देर के लिए मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गया। अरे कोरोना जांच में मार्केट का बोल रहा हूँ। काम करना आया, खाना खा रहा था और वो नाक में दम से घुसाया और उठा उठा के ले गया। कहाँ ले गया मालूम नहीं, आठ आदमी ले गया, कहाँ ले गया था? कहाँ ले गया काम मालूम, वो लोग नहीं। कब ले गया? आज ले गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार कांड का पुरजोर विरोध शहर में भी हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में हुए बलात्कार कांड की जांच अब शहर में भी पहुंच चुकी है। AIDSO द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के CM का पुतला फूंका गया और बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की गई। उसके बाद उसको मतलब उसका मौत हो गया, मतलब एकदम भयंकर रूप से, एकदम अत्यंत जघन्य रूप से उसके ऊपर अत्याचार हुआ। और वहाँ का यूपी के जो पुलिस और वहाँ का जो सरकार, वो अपराधियों को सुरक्षा दे रहे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इसी प्रकार रविदास समाज सहित अन्य संगठनों ने भी विरोध प्रकट करते हुए दरिंदों को फांसी देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस द्वारा भी साक्षी गोलचक्कर पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने पुतला दहन करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की। झारखंड के औद्योगिक राजधानी और सपनों का शहर जमशेदपुर में वैसे तो कई रैन बसेरे हैं, पर अधिकांश गरीब लोग आज भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट। खुले आसमान के नीचे रात काट रहे इन लोगों को जरा गौर से देखिए। ऊपर वाले ने इनकी किस्मत में शायद यही लिख कर भेजा है। वैसे ये बदले भारत और उन्नत झारखंड की उन्नति की गाथा है। वैसे इसे आप सबका साथ सबका विकास और राइजिंग झारखंड की जमीनी हकीकत भी कह सकते हैं। गरीब होते ही हैं राजनीति के लिए, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आज भी देश के ज़्यादातर लोगों के पास रात काटने के लिए छत नहीं है। वैसे ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं, यह झारखंड की औद्योगिक राजधानी और जमशेदपुर नौसेरवान जी टाटा के सपनों का शहर जमशेदपुर का है। ये वही जमशेदपुर है जिसे टाटा साहब ने बसाया था। मजदूरों का शहर, मजलूमों का शहर
आम लोगों का शहर, क्या वाकई में आज शहर आम लोगों का रह गया है? वैसे सरकार की अगर हम बात करें तो बीते 20 वर्षों में झारखंड ने राजनीति बदलाव के कई रूप देखे। सरकारें आई और गई, लेकिन गरीब जहां था आज भी वहीं खड़ा है। वैसे बिना छत के खुले आसमान में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने आश्रय गृह का निर्माण जरूर कराया, लेकिन शहर हो या गाँव, आश्रय गृह हाथी का दांत ही साबित हो रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बने इन आश्रय गृहों में गरीबों के लिए ताला लटका हुआ है। यही कारण है कि गरीब आज भी खुले आसमान में छत के नीचे सोने को विवश हैं। जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में बने आश्रय गृहों में ताले लटके होने के सवाल पर ना तो जिला प्रशासन और ना ही अक्षेस के पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार हैं। हाँ, आश्रय गृहों का ख्याल जिला प्रशासन और निकायों को उस वक्त आता है जब शहर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन आम दिनों में इन आश्रय गृहों में ताले ही लटके नजर आएंगे। आपको बता दें कि जमशेदपुर में तीनों शहरी निकाय क्षेत्र मिलाकर लगभग आधा दर्जन आश्रय गृह हैं, लेकिन इन आश्रय गृहों में ताले लटके नजर आते हैं। वैसे सरकार ने दावा किया था कि सभी आश्रय गृहों में सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी की नियुक्ति होगी, लेकिन ना सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई और ना ही कर्मचारियों का। जमशेदपुर कलाकार संघ के बैनर तले शहर के संगीत कलाकारों ने गुरुवार को शहर में पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रकट किया। इन कलाकारों का कहना है कि वे शादी पार्टी, भजन एवं शादी समारोह में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और ही उनकी रोजी रोटी है, पर 7 माह से सरकार ने आयोजनों पर रोक लगा रखा है, इससे उनके परिवार अब भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। सातवां महीना हो गया, हम सारे कलाकार अपने अपने घरों में बैठे, हमारा काम बंद हो चुका है। झारखंड सरकार ने मॉल खोल दिया, राशन की दुकान खोल दी, दारू की दुकान खोल दी, बड़े बड़े बाजार खोल दिए, उसके बाद सारी बसें ट्रेनें सब खोल दी, लेकिन हमारा रोजगार कहाँ गया? हमारे काम अभी तक नहीं खोले, जबकि हर चीज खुल गया है। क्या हम कलाकार कोई पाप कर रहे हैं? धरकीड़ी की महिला के घर से कुछ लोगों ने ताला तोड़कर सारे सामान गायब कर दिए हैं। महिला ने इसकी शिकायत सिटी एसपी से की है। महिला का नाम तबस्सुम बीवी है। उनका कहना है कि पिछले 2 माह से वे रांची स्थित मायके में रह रही थी। वापस लौटने पर पाया कि घर का ताला तोड़कर सारे सामान निकाल लिए गए हैं, जिनमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी आदि शामिल है। महिला ने सामान निकालने वालों के नाम भी एसपी को बताया है। बीमार थी, यहाँ लाचार है, तो अपने माँ के यहाँ रांची गई अपना इलाज करवाने। इसी बीच वहाँ के दो व्यक्ति दबंग लोग थाना के मिली भगत से जा करके उसके घर का ताला तोड़ करके उसका सारा सामान निकाल के अपने घुस गए लोग। ये जब केस करने गई थाना में वहाँ के स्थानीय जाफर को लेकर के, तो थाना प्रभारी ने इनके आदमी को ही उठा के बंद कर। बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को आरोप मुक्त कर दिए जाने की खुशी में भाजपाइयों ने चांडिल में लड्डू वितरण किया। चांडिल बाजार में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा लड्डू वितरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चांडिल बाजार का भ्रमण भी करते हुए दुकानदारों एवं राहगीरों के बीच लड्डू बांटा गया। सभी कार्यकर्ता जय श्री राम का जयकार लगाते हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां मनाते रहे। बात है हिंदू समाज की, सनातन समाज की गौरव की बात है कि सभी हिंदुओं का दिल आज गटन गटन हो चुका है। इस श्री राम जी का मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के आज माननीय कोर्ट ने भी निर्दोष उन 32 आदमी को दिया। उन लोगों को बधाई देते हुए, तमाम हिंदू समाज को बधाई देते हुए, इस तरह का एकताबद्ध रह करके हमारा देश को आगे बढ़ाना है। सरायकेला सदर अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों समेत राहगीरों को भी अपने चपेट में ले लिया। एक राहगीर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हैं। सरायकेला जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत सदर अस्पताल के समीप टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गुरुवार को रफ्तार का कहर सड़क के किनारे चल रहे लोगों पर बरपा, जहां भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां 3 की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
इन्हें एमजीएम रेफर करने की तैयारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर कांडरा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और सदर अस्पताल के समीप एक पिकअप वैन में जोरदार टक्कर मार दी। उधर पिकअप वैन चालक ने सामने से जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मारी। इस पूरे घटनाक्रम में एक राहगीर को हाईवा ने बुरी तरह से कुचल दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अब कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900, 9162974।